तो आज से हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं एक नया डांस कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे पंजाबी या भंगड़े के कुछ बेसिक स्टेप, जिनको आप सीखकर अपने पार्टीज में, शादी में या अन्य फंक्शंस पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम सीखेंगे भंगड़े का एक स्टेप जिसका नाम है सिंगल धमाल, जिसमें मेरा साथ देंगे मनोज शर्मा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से डांस सीख पाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप में पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखेंगे, जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आपको लगे कि यहां पे ठीक है। एक या डेढ़ फीट का इसमें आप अंतर रख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में। अच्छा, इसमें पूरी टेक्निक्स बहुत बारीकी से हम सिखाएंगे, पूरी एक एक टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी टेक्निक अच्छे से आ जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम आप जैसा डांस नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसका कारण यही है कि आप पूरी टेक्निक नहीं समझ पाते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरी टेक्निक आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए, डिस्टेंस एक या डेढ़ फुट नॉर्मली कंफर्टेबल। इसके बाद आपने ध्यान देना है कि पैर को 45 डिग्री के एंगल पर उठाना है। देखिए कैसे, हाथ सीधा, ये हाथ टेढ़ा, एक हाथ बिल्कुल सामने सीधा, एक हाथ ऐसे, इसके बीच में घुटने को उठाएंगे। देखिए, अच्छा, जब घुटना उठाएंगे तो बॉडी का वेट इस पैर के ऊपर ले लेंगे, मतलब अपनी बॉडी को इस पैर के ऊपर सपोर्ट करेंगे ऐसे। इस बॉडी पे पैर को सपोर्ट कैसे करना है कि आपने जब पांव नीचे रखेंगे तो पंजे और एड़ी पर इक्वल वेट डालना है, ताकि आपका बैलेंस बना रहे और हिले नहीं। तो देखिए, इतना उठाएंगे 45 डिग्री, देखिए ऐसे। अच्छा, इसमें पहला ध्यान क्या रखना है कि 45 डिग्री तक उठे, मतलब दोनों के बीच में। दूसरा क्या है कि आपका घुटना कितना उठे, आपकी बेल्ट जितना, ये आपकी बेल्ट का लेवल है, इतना उठे। हल्का ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए कैसे, ऐसे, पहली बात 45 डिग्री, दूसरी बात कि घुटना ऊपर उठे बेल्ट तक, तीसरी बात कि जब आप पैर उठाएंगे तो आपका टो, मतलब आपका पंजा जो पैर का है, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ ना हो, ऊपर की तरफ हो। तीन बातें, 45 डिग्री, बेल्ट तक और घुटना ऊपर। इसी तरीके से दूसरा पैर, देखिए 1 2, इसके रखने के बाद दूसरा उठाएंगे, देखिए 1 2। इसमें कई बिगिनर्स जो शुरू में सीखते हैं वो गलती क्या करते हैं कि आप इसको रखने से पहले ही उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं उठाना है, रखने के बाद उठाना है। ध्यान दीजिएगा, उठाया, रखा, उसके बाद दूसरा उठाया, फिर रखा, फिर ये उठाया, फिर रखा, फिर ये उठाया। आपने पहले सिर्फ इस पैर की प्रैक्टिस करनी है एक तक। देखिए कैसे, 1 2 3, पहले इसी की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको ये अच्छे से आ जाए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपका पैर कितना उठ रहा है, किस एंगल में उठ रहा है, पंजा कैसे चल रहा है, उसके बाद आपने इसके ऊपर जंप करना है। देखिए 1 2। अब इसके ऊपर सेकंड में क्या है कि आपने इसके ऊपर जंप करना है। कैसे, जब पैर ऊपर उठेगा तो उस पैर से जंप, और जंप कैसे करेंगे, पंजे के ऊपर। देखिए कैसे जंप, एक बार साइड से देख लीजिए, पैर उठाएंगे तो पंजे पे जंप, जंप, पूरा पैर जंप नहीं करेंगे, करना क्या नहीं है वो देख लीजिए, ऐसे पूरा पैर एक साथ ऐसे जंप नहीं करना है, पंजा उठा के जंप ऐसे, पैर वैसे ही ऊपर उठाएंगे तो जंप, फिर रख देंगे, फिर दूसरा जंप, फिर रख देंगे, जंप जंप जंप, 1 2 8 तक। एक बार देखिए, 1 रख दिया, 2 3 4 8 तक, एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके साथ देखिए शोल्डर, हमने पैर सीख लिया 45 डिग्री के एंगल पर, बेल्ट जितना उठा के पंजे को ऊपर, पैर को उठाएंगे तो जंप करेंगे, ये हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट देखिए, शोल्डर कैसे मूवमेंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पंजाबी डांस सीखना, भंगड़ा सीखना, तो शोल्डर मूवमेंट बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा, तो ध्यान से सीखिएगा। देखिए, सीधे जैसे खड़े थे, अब शोल्डर 1 पे चला के बाउंस, देखिए 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, ऐसे 8 तक। तो 1 पे देखिए, 1 बाउंस, मतलब जब 1 पे चलाएंगे तो पूरा, उसके बाद हल्का, पूरा हल्का, जैसे हम कोई चीज जमीन पे डालते हैं, कोई बॉल, तो एक बार जोर से उछलती है फिर हल्की उछलती है, वैसे शोल्डर देखिए 1 2 3 4, ऐसे। अब बाउंस को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े वाले शोल्डर जो चलेंगे उसको काउंट करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3
फोर, मतलब एक पे दो बार शोल्डर चल रहे हैं, एक बार शोल्डर चल रहा है, दूसरा बाउंस हो रहा है, ये एक काउंटिंग पे देखिए, वन पे दो बार, वन बाउंस, ये बाउंस काउंट नहीं करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पैर सीख लिए, शोल्डर सीख लिए। अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम सीधा, कमर सीधी, चेस्ट थोड़ी सी बाहर, हल्की सी बाहर, कमर सीधी, चेस्ट हल्की सी बाहर, अपनी चिन को सामने की तरफ उठा के रखेंगे, चिन नीचे नहीं करेंगे, सामने ऐसे तन के। अब पैर और शोल्डर एक साथ करते हैं काउंटिंग के ऊपर, रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब हमने पूरा फुटवर्क सीख लिया है सिंगल धमाल का। अब इसके ऊपर देखिए हाथ, पहले ऐसे सीधा, फिर बीच वाली फिंगर को मोड़ेंगे, देखिए बीच वाली फिंगर, बीच वाली फिंगर को मोड़ के इसके ऊपर अंगूठा रख लेंगे और हाथों की पोजीशन देख लीजिए, शोल्डर से थोड़ा सा आगे, शोल्डर के लेवल पे ना हो अच्छा नहीं लगता, लुक खराब हो जाएगा, शोल्डर से थोड़ा सा आगे देखिए, और हाथों का सी बनना चाहिए, ऐसे सी, जैसे इंग्लिश में होता है ना ऐसे सी, वैसे हाथों का सी बनना चाहिए, और हाथ भी वैसे चलेंगे जैसे शोल्डर चलाए थे, वन टू थ्री, पैर वैसे ही, हाथ की मुद्रा देख लीजिए इसके साथ शोल्डर के साथ, पैर वैसे, एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसके साथ हाथ चेंज, हमने ऐसे किया था, अब उंगली ऐसे, सिंपल उंगली उठा के, पैर वैसे ही, बाकी स्टेप वैसे ही, हाथ भी वैसे ही चलेगा, एक बार काउंटिंग के साथ, रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसके साथ हाथ चेंज, देखिए पहला स्टेप क्या था, ये, दूसरा ये, अब तीसरा हाथ सीधा, देखिए ऐसे थोड़ा सा अंगूठा बाहर निकालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, हाथों को नॉर्मल कर लेंगे, ऐसे पूरा हाथ सीधा, वैसे ही पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पैर वैसे ही, एक बार काउंटिंग के साथ, रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसी में नेक्स्ट देखिए, हाथ अब थोड़ा सा चेंज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाथ ऐसे चला के देखिए, शोल्डर चला रहे थे हम, इसके साथ अपने कोहनियों को, मतलब पूरे हाथ को मूवमेंट देनी है, वन टू थ्री, वैसे जैसे हमने शोल्डर चलाए थे वैसे कोहनियों को ऊपर नीचे करना है, पैर वही, एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो आज हमने सीखा पंजाबी डांस का सिंगल धमाल, इस स्टेप को बोलते हैं सिंगल धमाल, जिसपे हमने कुछ हैंडवर्क अलग से किए हैं, फुटवर्क हमने पहले सीख लिया था सिंगल धमाल का कैसे चलते हैं, तो एक बार ये सारे स्टेप म्यूजिक के साथ देख लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी श्रृंखला के कुछ बेहतरीन स्टेप्स लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, जब तक के लिए नमस्कार।